वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज जो व्लॉग हम बनाने वाले हैं उसका मैं बता दूं नहीं बताने से पहले यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, बस इतना कर दो, मेरे लिए बहुत है यार। अच्छा हाँ, तो यार अब मैं बताता हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो है ईद की शॉपिंग का। ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं आज यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बच्चों का हर आइटम मिलता है, बड़ों का मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बालों को देख के ये मत बोलना उजड़ा हुआ चमक लग रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि रात के इस टाइम हो रहा है 12:49 मतलब 1 बजे। इसमें मैंने तकरीबन आज घड़ी तो मैंने ले ली, वो तो मैंने अपनी शॉप से ही ली है, दोस्त की शॉप से ही दिखाता हूँ वो भी। हाँ मैंने देख के बताओ कैसी लग रही है। तो अभी बताओ मेरे हाथ में कैसी लग रही है, सही बताना ईमानदारी के साथ, अच्छी लग रही होगी। ऐसी बात है, अभी अभी तो लिए मैंने, अभी तो पैसे भी पूरे नहीं हुए इसके। ईद की शॉपिंग यार अभी देखो कहाँ करते हैं, अभी तो रोड पे निकलेंगे तब पता चलेगा, तभी डिसाइड होगा कहाँ पे शॉपिंग करते हैं। ये भाई मेरे पास आ गए, इसने भी तफरी करनी थी, पैसे नहीं, किल्लत चल रही है, गुरबत छाई हुई है अभी सबके, और मार्केट में तो बहुत ज्यादा गुरबत छाई हुई है, और एक गरीब गुरबत उधर भी है। और गुरबत आ गया, देख भाई टाइम ओवर हो गया। हाँ सही है, वहाँ से एक कजन की दावत भी आ गई, इन्विटेशन आया। अच्छा दावत खाएंगे और फिर वापसी आएंगे। बेटा मैं डालूंगा, मैं डालूंगा, बता रहा हूँ बेटा, हरामी हो यार ये पता है कितना जुल्म कर रहा है, यकीन करो ना, दुकान बंद कर रहा है, मुझे जाने दे रहा है, मैं जाऊँ बंद करो किसकी। तो यार दुकान वगैरह बंद कर दी है, ये अभी जा रहे हैं घरों घर, और हमारे भाई ने तो भाई अभी टाइम नहीं है इनके पास, और इसने कहीं भाभी के साथ जाना है भाई ने, और माशाल्लाह हम आग ले नहीं जा रहे, वहाँ नीस निकलो जैसे इन बोल रहे भाई, निकलो और जा रहे भाई नहीं। हाँ तो यार ये छोटे गरीब बोलते हैं, अभी हम दुकान वगैरह बंद कर लिया, घर से फ्रेश हो गए, अब हम उबैद भाई को लेने जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैक्स, क्योंकि उसने यार अभी बाइक ली भी नहीं है, तो उस चक्कर में ना हम लोगों को तकरीबन ज़्यादातर लेने जाना पड़ता है, रात का टाइम है, तो अभी हमारे बोला ना। तो यार पिज़्ज़ा मैक्स में आ गए हम, तो बंदे को बस लेने और लेने के अलावा नाजिम जैसे ही आते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से हम वापसी आते हैं, ठीक है, फिर हम डायरेक्ट निकलेंगे शॉपिंग पे। अभी कहाँ जाना है, ये दो ऑप्शन है, ज़ैनब या मिली है, अब देखो कहाँ जाते हैं। नाजिम बड़ा जलील होने के बाद आया नीचे, कौन तुम कैसे अलहमदुलिल्लाह आ गया भाई, ये मोबाइल में भी पूरा नहीं आ रहा भाई, क्या बोला तुमने, बाल सेट कर ले अपने, अब कर लो अंदर आ गए, ऊपर दुकान का रास्ता भी जाते हो। हाँ यार ये शॉप मिल गई है जिमरान भाई की, ये रही स्मार्ट हैंड, क्योंकि ये शिफ्ट हुई है पीछे से, इसलिए ढूंढने में थोड़ा सा मसला हुआ, तो बस अभी ये फ्री हो जाए तो ये दिखाएंगे अभी कपड़े, तो इंशाल्लाह यहाँ से शॉपिंग करके निकलते भाई। एक ये पसंद आई है शर्ट, ये पसंद आई है कॉम्बिनेशन, ये है इसका, बाकी अभी ये लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी शर्ट है और पेंट है, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रही। हाँ तो यार शॉपिंग वॉपिंग कर ली है, पेंट शर्ट ले लिया, अभी दिखाने का नहीं है, दिखा मैंने थोड़ा सा दिया है, लेकिन इंशाल्लाह ईद पे देखना आप। और ये तंग आए हैं क्योंकि थैली का टाइम, निकल नान भाई की शॉप पे आए हम लोग, ये 3 नंबर पे क्लोथिंग इस पे आए हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग पेंट तो मैंने कहा लीड पेंट शर्ट, अभी यहाँ पे मुझे एक शर्ट पसंद आई है, एक और पेंट पसंद आई है, वो मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट सरप्राइज जो ऐसे इनको सही है, वो भी मैं शर्ट पसंद आई मैं वो दिखाऊंगा। अदनान भाई हैं, मैं भी अदनान हूँ, मैं आती हूँ, ये अदनान भाई है, इनकी शॉप है माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये भी माशाल्लाह इनको मैं जानता पहले से हूँ, पर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यही काम करते हैं, इन्हीं की शॉप है, तो इनके पास हर ब्रांड का कपड़ा होता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं इनसे पूछूंगा कि तुम्हें कौन कौन सा ब्रांड है, कौन कौन सा कपड़ा है, और क्या प्राइस है इनकी, ये बता दूँगा, 3 नंबर मेन शो में मेडिकल के बराबर में।
अदनान भाई बैठे तो इनसे पूछते हैं कि अदनान भाई आप बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि वीडियोस जो देखते हैं उनको भी बहुत नीड होती है पैंट शर्टों की, सब मम्मी डैडी हैं तो उनको पैंट शर्टें अच्छी अच्छी वैरायटी की चाहिए होती है, जैसे ये लगी हुई है डैमेज स्टाइल, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल है हमारे पास, हर तरीके का स्टाइल होता है। ये देखिए इधर आप वीडियो करें पुशअप ट्रेंड है, ये ग्राइंडिंग में फिर डैमेज में टी शर्टों में हम लोगों ने सेल लगाई हुई है, 500 रुपये की सेल लगी हुई है भाई, उसके और हमारे पास टी शर्टें भी मिल जाएंगी आपको, कॉलर वाली फॉर्मल शर्टें होती हैं वो मिल जाएंगी, ड्रेस पैंट कॉटन जीन्स जीन्स हर तरीके की वैरायटी जो आज कल लड़का पहन रहा है सब कुछ मिल जाएगा, फैंसी शर्टें वैटे सब कुछ मिल जाएंगी, ये भी फैंसी शर्ट आएगी टिकटॉक पर आजकल बड़ी आपको मिल जाएगी जबरदस्त। तो इसके इनके प्राइस वगैरह कितने होते हैं? प्राइस के हिसाब से देखिए चीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, हमारे पास जो रेंज होती है वो होती है 750 से लेके 950 तक की होती है जीन्स में, और शर्टों में जो होती है वो 650 से लेके 1200 तक होती है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ पसंद करते हो उसके हिसाब से होता है। तो आप इंशाल्लाह अंदर जाओ शॉपिंग करो, जो भी होगा फिर आपको बताएंगे क्या चीज़ किस रेट पे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्ट है कितने की टोटल? यार ये 800 की 800 रुपये की शर्ट है, बहुत अच्छा कपड़ा है, लेकिन ये मतलब दुकानदार के मॉल के हिसाब से बहुत बेहतरीन इन लोगों ने रखी है वैरायटी ना, और प्राइस भी बहुत ही मतलब इतने हाई नहीं है, मतलब 1000 के अंदर अंदर शर्ट पैंट सब है। समझ नहीं आ रहे, फ्रेश बहुत है और वैरायटी भी ज़्यादातर तकरीबन ना खत्म हुई। हाँ तो यार एक शूज़ पसंद आया ये वाला, बट सोसाइटी में मिलता है बड़ा क्योंकि दोनों पैंटों के साथ ही अच्छा लग रहा है। यार शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है, कई बार निकला हुआ है अकेला शॉपिंग करने वाले घर वाले करते हैं, अभी ये कि मैंने तो शूज़ ले लिया, इन दोनों को पसंद नहीं आया, अभी ये पता निकल लेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है इस वजह से ले लिया, तो मैं पता है कि शॉप पे होता हूँ टाइम नहीं है इस वजह से ले लिया, निकलते अभी देखो सैरी का मूड बन रहा है शायद जारी करें उसके बाद। मैं आगे ऊपर देख साइज देखो उसका, चिकन हो गया चिकन चिकन यार, अभी सही वरी करते हैं पीछे भी अपने भाई लोग सारे बैठे हैं। यार मुर्गी बाल कटवाने भी आ गए तो मैं चाह रहा हूँ कि बाल भी कट जाएं, उसके बाद में टाइम नहीं मिलेगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. अच्छा लग रहा है इनकी शॉप पर करवाता हूँ, 3 नंबर में रोक एंड हेयर स्टाइल के नाम पे यहाँ पे मैंने कट वगैरह बनवा लिया, अभी तो अभी हम घर चलते हैं और जाके पैंट करते हैं। घर आ गया हूँ, सही वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, ये फ्रेश वगैरह भी हो गया मैं सब, मतलब कटिंग भी हो गई, शॉपिंग भी पूरी हो गई और पूरी मैंने आप लोगों को दिखा दी, अभी इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग को एंड। और यार डेली ब्लॉग इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा बहुत जल्द, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहा, तो अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर करो। यार मैं मतलब अभी उस लेवल पे तो नहीं हूँ जिस पे मतलब बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे आप लोग चाहते हो इंशाल्लाह वैसा ब्लॉगर बनूँ और बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी के साथ ब्लॉग करता हूँ खत्म, अल्लाह हाफिज़।